बड़े अच्छे तरीके से का पूरा हमने अभ्यास किया। कल भी हुई थी, आज भी थोड़ा करेंगे, लेकिन फिर उसको बार बार अभ्यास करने के लिए आप कमेंट्री को सुन लीजिए, फिर आप उसको अपने मन से अभ्यास करना, फिर देखना आपके जीवन में सफलता 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 सफलता। कितनी सफलता चाहिए बाबा कहते हैं भरपूर होना है। ब्राह्मण जीवन में कोई अप्राप्य वस्तु नहीं होना चाहिए, आया ना? लेकिन हमारी लिस्ट कितनी होती है बाबा के कमरे में पता चलता है, बाबा के सामने जो बैठते हैं बाबा मेरा ताली दर्द हो रहा है, बाबा भी यहाँ जब मेरे साइकिल ठीक कर रहा है, बाबा बाबा करेगा या मैं करूंगा? बाबा करा रहा है, ज्ञान दे दिया, अभी करना किसको है? मुझे। बाबा कहता है ना चिंता क्यों कर, तो मैं बैठा हूं, चिंता नहीं करना, लेकिन चिंतन करना। कौन सी चिंतन? पुरुषार्थ में भाग्य, जो करेगा जो करेगा, मैं करूंगा तो मैं करूंगा, मैं नहीं किया तो। तो बाबा जो ऊपर बैठा है क्यों बैठा है? क्योंकि वो शक्ति दे रहा है, लो आप लेके दो, तैयार हो तो अनुभव सबको बांटना है। बोलो मुझे अनुभव, मुझे अनुभव सबको बांटना है। कौन सी अनुभव? जो बाबा से प्राप्ति हुआ है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। दो छोटे बच्चे आपस में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्या हुआ बच्चा? दो छोटे बच्चे आपस में दोस्ती थी और बचपन से पढ़ाई करते करते बड़े, एक अच्छा पढ़ाई किया, दूसरा पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि घर में इतनी पढ़ाई करने के लिए ताकत नहीं थी, तो उसने खेती बाड़ी किया, दूसरे ने दिल्ली के शहरों में बहुत अच्छा एक बड़ा कंपनी में जॉब किया। दोनों की शादी हो गई, दोनों की तो परिवार भी हुआ, अभी 15 साल बिछड़ गए, एक दूसरे से मिले थे, अभी कहानी सुन रहे हैं। तो 15 साल बिछड़ गए, 15 साल के बाद ये जब दिल्ली से लौट के आता है बिहार, अपने गांव में आता है, देखता है, अपने दोस्त से मिलता है, बड़ी खुशी होती है। भाई बिछड़े हुए परिवार से मिलते हैं खुशी होती है, नहीं एक दूसरे से मिलकर खुशी होती है? कितनी खुशी? बहुत खुशी होती है। तो उनको भी बहुत खुशी हुई, और खुशी होने के बाद उन्होंने कहा क्या चल रहा है आजकल? अरे क्या चलेगा, बच्चों को पढ़ाई करने में ऐसे है, बच्चों की पढ़ाई अभी बिगड़ बच्चों की पढ़ाई करने में कितनी तकलीफें होती है, आपको पता है कितना हमारा कर्ज हो गया है। अरे भाई एक काम कर, मुझे क्यों नहीं बताया, एक काम कर, तुम किसी भी हालत में कुछ करके दिल्ली आ जाओ, मैं वहां तुमको अच्छी कंपनी, मेरी कंपनी है वहां, अच्छा जॉब दिला दूंगा। बोला मैं कैसे आ पाऊंगा, यहाँ सब कुछ छोड़ सक थोड़ी सकता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, नहीं बिना त्याग से भाग्य बनेगा? नहीं, मैं बनना चाहता हूँ मास्टर भगवान, बनना चाहता हूँ मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन कहाँ मेरे बहन जी दीदी मेरे पास टाइम कहाँ है दादी जी? नहीं टाइम नहीं, मैं यूँ आऊंगा, देखूंगा, ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगी, गंगा लक्ष्य है ऊंचा पर्वत पर चढ़ने के लिए, लेकिन एक कदम भी ना उठाए पहुंच पाएंगे? तो क्या करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे करना है, थोड़ी सी त्याग करनी है। कौन सी त्याग? जो समय व्यर्थ में जा रहा है। आज माया ने कितनी सारी यातनी, ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे चीजें निकाली है जो बुद्धि को भटकाने के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो माया से बचने के लिए हमें थोड़ी सी अपने दृढ़ संकल्प का त्याग करना है, तभी भाग्य बनेगा। आया ना?
तो संकल्प लो मुझे आज के बाद तपस्या करनी है, तपस्या करनी है। अंतर मन पूछ रहा है, जीव पूछ रहा है क्या चाहिए, तपस्या करनी है।